दिन के 13 रुपये ये मानदेय में कहीं गिना ही नहीं जाना चाहिए। 13 रुपया कम नहीं, शर्मनाक है। हमें भी वेटनरी क्लिनिक में यहाँ पर 8 घंटे काम करने पड़ती है, पशुओं की देखभाल करने पड़ती है, पशुओं का चिकित्सा करना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी टफ काम होता है। और इसी के लिए अगल बगल के सारे राज्यों में ये 15 से 20 हज़ार रुपये का मानदेय दिया जाता है। किस तरीके का बिहेवियर था उनका आप लोगों के प्रति? वो आते के साथ ही वो एक डोमिनेटिंग सा बिहेवियर था, और उन्होंने हमें सबसे पहला बात बोला कि मैं हार्ड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आप ये जो हक मांग रहे हैं, आपका कोई हक नहीं है कि आप ऐसा मांग सकते हैं, हम जितना चाहेंगे उतना ही आपको देंगे और आपको लेना पड़ेगा। और ये सब बोलने के साथ उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे स्ट्राइक तोड़वाए हैं तो आपका भी देख लेना, आप अपने करियर को संभालो। साथ के साथ उन्होंने कहा है कि जूता पॉलिश करवाएंगे हम लोग आपसे, और जितना मिल रहा है काफ़ी मिल रहा है। हम लोगों का ये कोई शौक नहीं है, हम लोग भी डॉक्टर हैं, हम लोग को बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत हार्ड पढ़ाई होती है हम लोगों की, तो हम लोग अपना सारा पढ़ाई सारा काम छोड़कर यहाँ पर धरना में बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा प्रभा। इस वक्त पूरे देश भर में जो है वो डॉक्टरों को लेकर के काफ़ी सारी जो है उनकी मांगों को उठाया जा रहा है। ऐसे में वेटनरी जो डॉक्टर्स है वो भी यहाँ पे अपने कॉलेज के बाहर में हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपको बताया कि यहाँ पे जो सभी छात्र है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें जो मजदूरी दी जा रही है वो इनके काम को जो है वो पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान लिख कर रखा है 50 रुपये मजदूरी है या हड़ताल ज़रूरी है। आपसे बताना चाहेंगे कि 50 रुपये अगर इनको यहाँ पर मजदूरी दी जा रही है तो ये इनके लिए काफ़ी बुरा माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं जो ये सरकार के पास लेके जाने चाहिए। किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? हमारी बस छोटी सी मांग है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो प्रति महीने 15,000 पूरे 12 महीने के लिए हो जाए, क्योंकि हम साल भर का इंटर्नशिप करते हैं और बाकी जो राज्य हैं हमारे अगल बगल में, वहाँ बिहार में 15,000, वेस्ट बंगाल में 20,000, छत्तीसगढ़ में 13,000 इस टाइप से मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी जो स्टाइपेंड हो वो 15,000 प्रति माह पूरे साल भर के लिए हो। राज्य सरकार को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या उनके कोई प्रतिनिधिमंडल आप लोगों से वार्ता करने के लिए आए हैं? हमने राज्य सरकार में बहुत सारे जो पशुपालन विभाग है वहाँ की जो सेक्रेटरी है उनको ज्ञापन सौंपा है। हम दीपिका पांडे मैम जो कि मिनिस्टर है इस चीज़ की, उनसे बात करी है, उनको अपना बात बताया, वो बोली कि 15,000 रुपये की मांग बहुत ही जेन्युइन है और ये मांग पूरी होनी चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम तुरंत ये काम करवाएंगे, आप बस पेपर वर्क अपनी यूनिवर्सिटी से करवाइए। हमारा दिक्कत यही है कि हमारा पेपर वर्क नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आप लोगों से बात करने के लिए अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं, हम वीसी सर से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वीसी सर तो नहीं आए, लेकिन वो अपने लिए अपने तरफ से किसी को भेजे थे तो हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कौन है, लेकिन वो आए थे और वो हमारे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करके गए हैं। उनका बिहेवियर कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो वीसी सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके का बिहेवियर था उनका आप लोगों के प्रति? वो आते के साथ ही वो एक डोमिनेटिंग सा बिहेवियर था, और उन्होंने हमें सबसे पहला बात बोला कि मैं हार्ड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आप ये जो हक मांग रहे हैं, आपका कोई हक नहीं है कि आप ऐसा मांग सकते हैं, हम जितना चाहेंगे उतना ही आपको देंगे और आपको लेना पड़ेगा। और ये सब बोलने के साथ उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे स्ट्राइक तोड़वाए हैं तो आपका भी देख लेना, आप अपने करियर को संभालो। साथ के साथ उन्होंने कहा है कि जूता पॉलिश करवाएंगे हम लोग आपसे, और जितना मिल रहा है काफ़ी मिल रहा है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, काफ़ी सेवाएं भी जो हैं वो ठप होंगी। कितने दिनों से यहाँ आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? जी, हमारा धरना जो है ये 3 दिनों से यहाँ पर चल रहा है और हमारा एक ही मांग है जो आपको पहले बता दिया गया है कि 15,000 रुपये प्रति माह इसको बढ़ाया जाए। हम लोगों का ये कोई शौक नहीं है, हम लोग भी डॉक्टर हैं, हम लोग को बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत हार्ड पढ़ाई होती है हम लोगों की, तो हम लोग अपना सारा पढ़ाई सारा काम छोड़कर यहाँ पर धरना में बैठे हैं। हमारा BAU प्रशासन से बस एक ही मांग है कि हमारा जो मानदेय है, मानदेय भत्ता, उसको 15,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया जाए ताकि हम लोग भी अपने काम को अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो इंटेंसिव ड्यूटी है वो 8 घंटे हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल में हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, इन द सेम वे हमें भी वेटनरी क्लिनिक में यहाँ पर 8 घंटे काम करने पड़ती है, पशुओं की देखभाल करने पड़ती है, पशुओं का चिकित्सा करना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी टफ काम होता है। और इसी के लिए अगल बगल के सारे राज्यों में ये 15 से 20 हज़ार रुपये का मानदेय दिया जाता है। सिर्फ हमारे झारखंड में अभी फिलहाल के लिए 400 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो कि DSW की तरफ से दिया गया था। और हमारा मांग VC सर से, DSW सर से और सारे यूनिवर्सिटी के जितने भी हायर अथॉरिटी है उनसे यही है कि जल्द से जल्दी हमें लिखित तौर पर यह दे दें। जो फाइनेंस कमेटी का मीटिंग होने वाला है उसको जल्द से जल्द करवाएं ताकि हमारा जो ये मांग है ये पूरा हो सके और हम यहाँ से तब हट जाएंगे जब हमारा मांग पूरा हो जाएगा। अभी आप लोगों को कितना स्टाइपेंड दिया जा रहा है और किस मतलब प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अभी आप लोगों को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया करवाया जा रहा है?
देखिए हमारा जो स्टाइफेंड है ये दो तरफ से आता है, एक नेशनल लेवल से आता है जो कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से आता है, और एक स्टेट की तरफ से जाता है अलग से फंड। वो तो ICAR की तरफ से जो 3000 पर मंथ है वो हमें मिला है, वो हमें मिलता है, पर स्टेट की तरफ से अभी तक हमें कोई ऐसा फंड नहीं दिया गया। एक बार हमें ये ऑफर किया गया था कि 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से ले लो, जो कि 13 रुपये प्रतिदिन होता, और जो कि हम लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि ये काफ़ी नहीं हम लोग के लिए। आप खुद समझ सकते हैं एक जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम। हम लोग तो स्किल्ड लेबर हो गए एक तरह से, हम लोग पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, पशुओं की चिकित्सा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, और हमें इतनी कम वेजेस का अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने वो 13 रुपये का वाला मांग ठुकराया था जो कि काफ़ी कम था जो हमें दिया गया था। हमारा मांग है स्टेट के तरफ से 15 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। वो काफ़ी कम नहीं शर्मनाक था, दिन के 13 रुपये ये मानदेय में कहीं गिना ही नहीं जाना चाहिए। 13 रुपया कम नहीं शर्मनाक है, दिन के 13 रुपये दिए जा रहे थे, तो इसको लेकर के दीपिका पांडे जो है वो आप लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है? हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारी बात को सुनेंगे, और ये भी हम बताना चाहते हैं कि कल हमारे यूनिवर्सिटी में उनका एक प्रोग्राम भी है, वो कल आएंगी, और हम लोग से बोली हैं कि वो 13 तारीख को यहाँ पे आके बात भी करेंगी। आखिर क्यों BAU प्रशासन, जो हमारे यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? तो जिस तरीके से अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, तो आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? हम लोगों ने अभी सोचा है कि जब तक हमारा ये अनशन चलेगा तब तक हम लोग बैठेंगे, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पे जो है वो साफ तरीके से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, क्योंकि इन्होंने VC से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन VC का एक जो है प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे मुलाकात की और उन्होंने भी इनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार करके वो यहाँ से गए हैं। इसके बाद इन्होंने कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी से भी मुलाकात की है, और कल वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आकर के छात्रों की बात सुनने वाली है। लेकिन अगर इनकी मांगों पर कोई सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती है, तो ये आगे अपने भूख हड़ताल के लिए विवश हो जाएंगे। शुक्रिया। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in